तक राज्यसभा की रेस जारी है, वोटिंग जारी है, कृष्णलाल पवार राज्यसभा जा रही है लेकिन दूसरी सीट के लिए लड़ाई है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी देख लीजिए, तो लाइव ही तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार सबसे पहले हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा की बात करें तो वोटिंग का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस को लेकर बात करें, ये हुड्डा आवास की इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस विधायकों की बस, इससे पहले अपडेट ये था कि कुरुक्षेत्र में जलपान किया गया, उसके बाद से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी थी। कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेगी कांग्रेस विधायकों की बस और कांग्रेस विधायक वोट करने वाले हैं। अब दावा तो ये है कि सभी विधायक पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे ही, साथ ही एक से दो जो वोट हैं वो दूसरी तरफ से भी कांग्रेस की ओर आ सकती हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो 31 से भी अधिक होगा। तो लगातार पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट सबसे पहले आपको दे रहा है खबरें अभी तक हमारे संवाददाता अनिल मोर और हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रखे हैं। तो चंडीगढ़ से लाइव ही तस्वीरें आप देख लीजिए, विधायकों के वोटिंग के लिए पहुंचने का सिलसिला निरंतर जारी है। सीएम वोट कर चुके हैं, साथ ही आप बीजेपी की बात करते हैं तो मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कमल गुप्ता वोट कर चुके हैं, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता वोट कर चुके हैं और बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम की ओर से वोट किया गया है। ये भूपेंद्र हुड्डा के आवास से सीधी तस्वीरें, कांग्रेस विधायकों की बस पहुंच चुकी है। तो ये बस आ गई है, सबसे पहले सवार हैं दीपेंद्र हुड्डा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा पहली सीट पर मौजूद हैं। अभी ये विधायकों के नीचे उतरने का सिलसिला और नेताओं के नीचे उतरने का सिलसिला शुरू होगा। हुड्डा आवास पर एक बार फिर से मंत्रणा की जाएगी, उसके बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राज्यसभा सांसद, पार्टी के तमाम विधायक बस से उतरते मीडिया उनसे बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। जय माकन जी, जीत रहे हैं और जितना हमारा संख्या बल है हरियाणा विधानसभा में उससे ज़्यादा वोट उनके पक्ष में आज पड़ेंगी, हमें ऐसा विश्वास। रोहित जी ने वोट डाल लिया, उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट डाला, कुछ बात हुई है उनसे? वो कांग्रेस के विधायक हैं और हमें शुरू से ही विश्वास था कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में ही मत दिया, ऐसा मेरा मानना है सर। लेकिन आज साथ में नहीं दिखे बिश्नोई जी, देखिए जैसे हमने कहा कि कांग्रेस की जितनी संख्या बल है विधानसभा में उससे ज़्यादा मत कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार अजय माकन जी के पक्ष में, आपको जब गिनती होगी 5 बजे तो उससे ज़्यादा मत आपको उनके पक्ष में मिलेंगे। ठीक है, तो दीपेंद्र हुड्डा जो फ्रॉम द बस, मैम क्या कहेंगे आज, क्या क्या उम्मीद है मैम? देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी वोटों से जीतने वाले हैं। मैम कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है, वो वोट भी डालाए हैं, क्या लगता है कि सब लोग साथ में हैं कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल 100% सब लोग साथ हैं, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ रही है। So these are the MLAs. We are talking to the MLAs. I'll give you the visuals from the bus. क्या माहौल है सर, क्या माहौल? हमारी 31 है और 31 के भी 34 हम विधायक वोट डालने का काम करेंगे और अजय माकन सिंह की जीत तय है। बिश्नोई साहब वोट डाल गए अकेले ही वोट डाल के चले। पहले तस्वीर आप देखिए, खबरें अभी तक पर तमाम विधायकों की बात आप सुन रहे हैं कि हमने वोट ही कांग्रेस को पानी है, नेम हो गया हमारा। लेकिन आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक मत बना रहेगा? जब नेम कर लिया सर ने, सब ने नेम कर लिया कि वोट वहाँ पानी। आप लोग दिल्ली गए, दिल्ली से छत्तीसगढ़ गए, छत्तीसगढ़ से फिर दिल्ली गए, फिर अब वापस आए, ये सब जो चल रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं कोई कांटेक्ट में ना आ जाए, कुछ इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए? हाँ होता है, डर होता है, लेकिन अब खत्म है, पर वोट पड़ जाएगी, सारा का नेम हो गया और वोट वहीं पड़ेगी जहाँ पानी है। मतलब हुड्डा आवास की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक विधायकों की बस पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने आपको अपडेट दी थी किसी भी पल विधायक भूपेंद्र हुड्डा आवास पर चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। ये बस है और बस में सवार विधायक और नेता बस से उतरकर हुड्डा आवास में एंट्री कर चुके हैं। ये सबसे पहले तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से लाइव ही तस्वीरें हैं। अब दावा तो है, एक विधायक को आप सुन रहे थे कहा गया नेम कर लिया गया, यानी ये शपथ ले ली गई है, ये कसम
कसम खा ली गई है, ये कसम कर ली गई है कि वोट तो पार्टी उम्मीदवार यानी अजय वाकन के पक्ष में करेंगे, अब डर नहीं है। इनसे पहले आप सुन रहे थे गीता भूकल को, उनकी ओर से भी दावा किया गया। इंदुराज नरवाल का भी दावा है, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी कहना है कि सभी विधायक तो वोट करेंगे ही करेंगे, कुछ और विधायक भी उनके संपर्क में है। ये आंकड़ा, ये नंबर 31 से अधिक होगा। तो देखिए, क्या क्रॉस वोटिंग से बचा लिया के अपने विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि किसी के संपर्क में तो कम से कम नहीं आने दिया गया के, अधिकतर विधायकों को बाहर रखा गया के, और अब वोटिंग के वक्त, ठीक वोटिंग के वक्त पहुंचेंगे, उससे बिल्कुल पहले नहीं आने दिया गया के, अब भी भूपेंद्र हुड्डा के और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ विधायकों के संपर्क में रहेंगे और सीधे इन्हें विधानसभा लेकर जाया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। सीएम मनोहर लाल की ओर से भी वोट किया गया है, पार्टी उम्मीदवार किशनलाल पवार की के पक्ष में वोट किया गया है, क्योंकि पवार राज्यसभा जा रहे हैं, उनके साथ 31 विधायकों का आंकड़ा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वोट कर चुके हैं, ये भी आपको बड़ी खबर आपको बता दें। तो जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम की ओर से वोट किया गया है, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह वोट कास्ट कर चुके हैं, कमल गुप्ता की ओर से वोट किया गया है, कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और आफ्ताब अहमद भी वोटिंग कर चुके हैं। तमाम उन विधायकों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो वोटिंग कर चुके हैं। कांग्रेस के कुछ विधायकों की ओर से वोट किया गया, जिस वक्त वोट किया गया सीएम मनोहर लाल की ओर से, उस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें, सीएम मनोहर लाल वोटिंग करते हुए सबसे पहले तस्वीरें, और कोई भी बड़ी खबर को, कोई भी बड़ा दिन को सबसे पहले रहता है खबरें। अभी तक इन तस्वीरों से आप खुद समझ सकते हैं सीएम मनोहर लाल ने जिस वक्त वोट किया, ये तस्वीर केवल खबरें अभी तक के पास है। बस से जब कांग्रेस विधायक पहुंचे सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कुलदीप बिश्नोई की ओर से जब वोट किया गया वो भी हमने आपको बातचीत के जरिए सुनाया कि उनकी ओर से कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया गया है। दूसरे नेताओं से भी लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता अनिल और जितेंद्र लगातार विधायकों से, नेताओं से बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, सीएम ने वोट किया ये तस्वीर हमने दिखाई अपने दर्शकों को, कांग्रेस के विधायक हुड्डा आवास पर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर हमने दिखाई, अब क्या अपडेट है, किस तरह की हलचल वोटिंग को लेकर? देखिए, फिलहाल हम विधानसभा के बाहर खड़े हैं, क्योंकि जो विधायकों का वोट पोल हो रहा है वो विधानसभा के अंदर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अपना वोट डाल दिया गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से वोट किया गया है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में, नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के अगर नज़ारे की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर जो तमाम विधायक है कांग्रेस के, जो दिल्ली से चलकर आए थे, 25 विधायक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर पहुँच चुके हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पर मौजूद है। अब वो सारे के सारे विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधानसभा में आएंगे और अपना वोट डालेंगे। और अब तक अगर बात करें, फिलहाल की अगर बात करें, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, कृषि मंत्री जेपी दलाल, इसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, वो सारे के सारे विधानसभा के अंदर मौजूद है जहाँ पर विधायकों के वोट पोल हो रहे हैं। विधानसभा के बाहर का नज़ारा भी आप लगातार देखिए कि विधानसभा के बाहर का नज़ारा क्या है, और जो लगातार नेता अंदर मौजूद है उनकी तरफ से वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना वोट डाल चुके, इसके अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी अपना वोट डाल दिए हैं, कृषि मंत्री भी अपना वोट डाल चुके हैं, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है, तमाम विधायक लगातार अपना वोट डाल रहे हैं बारी बारी से, विधायक भी अपना वोट पोल कर रहे हैं, और जिन विधायकों के वोट पोल हो रहे हैं अपना वोट डालने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं इस गाड़ी में कौन विधायक उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कौन से विधायक यहाँ पे मौजूद है। किरण चौधरी है, बातचीत करेंगे, किरण चौधरी ने अपना वोट डाल दिया, अपनी वोट डाल के आए हैं, और जो है कांग्रेस के पूरे के पूरे मेंबर्स हैं, और अजय माकन जी यहाँ से जीत कर निकलेंगे। अब ये तो कुलदीप जी से ज्यादा पूछिए, मेरे को अब उनके अंतरात्मा की आवाज का तो नहीं मालूम, कोई बात हुई हो कि अंतरात्मा क्या कहती है? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, ना कोई कहते चर्चा हुई, वो कुलदीप बिश्नोई जी, ये हर एक की अपने अपना वो है, वो उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा उसका मैं नहीं। कांग्रेस के पास पूरे पर्याप्त मात्रा में मेंबर्स हैं और हम जीत के निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये थे किरण चौधरी, इनसे अकेले भी बातचीत करेंगे मैम, कुलदीप सिंह को लेके क्या कहेंगे? क्या मैंने क्या कहना है हमारे तो वो उनकी हुई है, उनसे पूछिए वो ज्यादा आपको बता पाएंगे, मैं उनकी बात कैसे कह सकती हूँ। बिश्नोई साहब ने सिर्फ खबरें तक से बात किया, उन्होंने कहा कि मैंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला, मतलब पार्टी को नहीं दिया, मतलब ये हो सकता है? अब मैं मतलब कैसे निकालूं भैया, वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हो ना, मैं किसी के अंदर थोड़ा घुस सकती हूँ। एजेंट को वोट दिखाया उन्होंने, पता हुआ
मुझे नहीं मालूम उन्होंने दिखाया नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे ये मालूम, क्योंकि हम तो अपनी वोट डालते हैं और दिखाते हैं, हमने दिखाया जरूर। अच्छा, माकन साहब की जीत पक्की है या डाउट है थोड़ा सा? कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, कोई शुभा नहीं है, जीत के निकलेंगे। थैंक यू। ये थी किरण चौधरी, इनका यही कहना है कि जो कुलदीप बिश्नोई का वोट है उसको लेकर भी, हालांकि तो मान ही रहे कि पार्टी को वोट आया होगा, अजय माकन की जीत को लेकर इनका यही कहना है कि जो अजय माकन है उनकी जीत होगी। बिश्नोई के लिए इनकी ओर से, किरण चौधरी की तरफ से किए, कुलदीप बिश्नोई की ओर से कि जो वोट किया गया उसे लेकर झूठा दावा भी नहीं किया गया किरण की ओर से, या केवल कहने के लिए भी नहीं कहा गया कि पार्टी उम्मीदवार को किया गया होगा। तो किरण की ओर से ये नहीं कहा गया कि पार्टी के पक्ष में किया गया होगा, अंतरात्मा की आवाज पार्टी के साथ जा सकती है। देखिए बिल्कुल, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कुलदीप बिश्नोई ने किसको वोट दिया होगा, क्योंकि जो हमसे सिर्फ हमसे बातचीत उन्होंने किया है कि कहा है कि मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया है, सही उम्मीदवार की जीत होगी, सही जीत होगी, ये बात कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने जो ऑब्जर्वर है पार्टी के, जो एजेंट है, अथोराइज्ड एजेंट है विवेक बंसल, क्या उनको वोट वहां पर दिखाया होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जो कुलदीप वत्स है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि कुलदीप बिश्नोई ने एजेंट को वोट दिखाया है, अगर कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिखाया है तब संभावना बन सकती है कि शायद कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी के लिए वोट दिया होगा। अगर कुलदीप बिश्नोई ने वहां पर वोट नहीं दिखाया होगा, वोट छुपाया होगा, तब कई तरीके के सवाल, बिल्कुल कई तरीके के वहां पर सवालिया निशान कुलदीप बिश्नोई को लेकर खड़ा हो गए। अब सबसे पहले यही है कि क्योंकि जो एजेंट है सारे के सारे विधानसभा के अंदर मौजूद है, उनके मोबाइल ऑफ है, उनसे बातचीत फिलहाल। अनिल देखिए, गुटबाजी तो भले ही विधायकों को नजरबंद रखा गया, अपने साथ रखा गया, लेकिन किरण रायपुर नहीं गई थी, हालांकि वो पार्टी के पक्ष में ही वोट डालेंगे, उनका भी दावा है। बट बात ये भी है अनिल की हुड्डा खेमे के नेता दावा ये करेंगे कि कुलदीप बिश्नोई की ओर से पार्टी के पक्ष में वोट किया गया है, लेकिन किरण की ओर से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि पार्टी के पक्ष में ही वोट किया गया है। देखिए, उम्मीद तो भले ये कर रहे हो कुलदीप बिश्नोई को लेकर, भले इनकी तरफ से कहा जा रहा हो कि अंतरात्मा के बाद कुलदीप बिश्नोई जाने, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई ने सीधा सीधा पार्टी को वोट किया होता तो सीधा सीधा कुलदीप बिश्नोई कह सकते थे कि मैंने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया, मैंने अजय माकन को वोट दिया, ये बात कुलदीप बिश्नोई कह सकते थे। हमने उनसे तीन बार ये सवाल किया, तीन बार सवाल हमने पूछा, उनकी तरफ से जवाब दिया गया, और हर बार कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया, मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया। डाउटफुल है कुलदीप बिश्नोई का वोट। चर्चाएं ये भी आ रही है कि शाम को कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हो सकती है राहुल गांधी से, ये बातें सामने आ रही है। हालांकि अभी सारी चीजें कन्फर्म नहीं है कि मुलाकात होगी नहीं होगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात होनी, देखिए कांग्रेस गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, जब इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई, इंतजार अनिल गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं माकन, और दूसरा पार्टी प्रभारी को चूंकि वोट दिखाया जाना था, ऐसे में अगर उन्हें कांग्रेस के साथ रहना है आने वाले दिनों में, तो ये बहुत बड़ा रिस्क उनके लिए रहेगा, किसी और को वोट किया जाना है, दूसरे उम्मीदवार को वोट किया जाना। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, जो वोट दिखाया जाना था वो जो ऑथोराइज्ड एजेंट है, बाकायदा हर पार्टी के ऑथोराइज्ड एजेंट है, कांग्रेस के ऑथोराइज्ड एजेंट दो है, प्रभारी विवेक बंसल और राजीव शुक्ला, इन दोनों को ऑथोराइज्ड एजेंट बनाया गया है, और जो कानून है, कानूनन इन विधायकों को जब वोट पोल करना होता है, इन ऑथोराइज्ड एजेंट को वोट दिखाना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने अपने एजेंट को वोट दिखाया होगा? उस दौरान विवेक बंसल मौजूद थे, राजीव शुक्ला भी वहीं मौजूद थे। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कुलदीप बिश्नोई ने एजेंट